सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, बिहार आंगनवाड़ी छुट्टी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि बिहार में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र उनकी छुट्टी को फिर से बढ़ा दिया गया है। तो बिहार के जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी आंगनवाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में जो आंगनवाड़ी केंद्र की छुट्टी रखी गई थी वो 8 जून तक रखी गई थी, तो फिर से यहाँ पे एक लेटर जारी कर दिया गया है ICDS विभाग के तरफ से, जिसमें कि आप लोगों की छुट्टी को डेट को बढ़ा दिया गया है। वही जानते हैं कि आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो कितने दिनों के लिए छुट्टी रहेगी, यानी कितने दिनों के लिए आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेगा। और जैसा कि मौसम विभाग के अनुसार अभी जो हीट वेव है वो 15 जून तक रहने वाली है, जैसा कि अभी आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कितनी प्रचंड गर्मी हो रही है, जिसको लेकर ICDS विभाग की तरफ से एक और लेटर जारी कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इस लेटर के बारे में। तो जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ICDS निदेशालय की तरफ से ये लेटर जारी कर दिया गया है। ये पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोग इस लेटर का डेट देख पाएंगे, 10/6/2024, यानी कल रात को ही ये लेटर जारी किया गया है। इसकी संचिका संख्या है 3634। इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS और सेवा में सभी जिला पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर का जो मुख्य विषय है आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहां पे लिखा गया है, लू एवं भीषण गर्मी से बचाव हेतु राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का दिनांक 12/6/2024 तक संचालन स्थगित रखने के संबंध में, यानी कि आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र 8 जून तक छुट्टी रखा गया था उसको यहाँ पर फिर से बढ़ा के 12 जून तक कर दिया गया है। यानी कि 12 जून तक आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पे कोई भी बच्चों की उपस्थिति नहीं होगी। फिलहाल अभी आप लोगों को क्या करना है, आइए इसके बारे में इस लेटर में पूरा पूरा जानते हैं। देखिए, इस लेटर का जो पिछला प्रसंग है, जैसा कि 29/5/2024 को लेटर जारी किया गया था छुट्टी को लेकर, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। नीचे लिखा गया है, महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य में लू एवं भीषण गर्मी से उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित कुप्रभाव के आलोक में दिनांक 8/6/2024 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित किया गया था, जिससे समयक विचारोपरांत दिनांक 12/6/2024 तक पुनः आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन स्थगित किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 300 दिनों तक आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण करना बाध्यकारी है, अतः दिनांक 12/6/2024 तक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति नहीं होगी, किंतु सेविका और सहायिका केंद्र पर उपस्थित रहकर अन्य सभी गतिविधियों को संचालन करते हुए गृह भ्रमण के माध्यम से THR एवं खाद्य सामग्री लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र के जो छुट्टी है वो 12 जून तक बढ़ा दी गई है। 12 जून तक आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे नहीं आने के दौरान आपको क्या करना है, जो सेविका और सहायिका हैं वो सेविका और सहायिका केंद्र पर उपस्थित रहेंगी। उपस्थित के दौरान आप लोग जो जो भी गतिविधियाँ करती थी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे, जैसे कि गुदभराई दिवस, अनपराशन दिवस और भी जो गतिविधियाँ हैं वो आप लोग करेंगी। बाकी आप लोगों को जो THR और खाद्य सामग्री है वो आप लोगों को होम विजिट करके लाभुकों तक पहुँचाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए फिर से बिहार ICDS निदेशालय की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आप लोगों का जो छुट्टी है वो 12 जून तक कर दिया गया है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।